हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुखमन कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज का साडा टॉपिक हैगा सैल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स एंड सैल मेम्ब्रेन्स। अज असी पढ़ांगे सैल दे स्ट्रक्चर बारे। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ ऑर्गेनल्स ऑफ सैल, व्हाट आर द ऑर्गेनल्स विच आर इंक्लूड इन अ सेल्स? These are as follow: lysosome, nucleus, endoplasmic reticulums and ribosomes. Next one is a Golgi apparatus and cytoplasm is a thick fluid and next is a mitochondria. Friends, assi cell de structure bare ओवरव्यू लै चुके हैं। सैल दे स्ट्रक्चर्स की हुंदा हैगा? फर्स्ट इज़ अ प्लाज्मा मैमब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्डी अपैरेटस, राइबोसोम। मैं सैल ड्रॉ कर रही हूँ। लेट दिस वन इज़ अ सैल। सैल दी जिहड़ी शेप हैगी आ वो ये जरूरी नहीं कि भी वो राउंड ही होवे। सैल ओवल भी हो सकता हैगा, राउंड भी हो सकता है, सैल दी शेप कोई भी हो सकती है। नाउ सैल दे विच प्रेजेंट हुंदा हैगा न्यूक्लियस। दिस इज अ हैड ऑफ अ सैल। इहदे विच डीएनए प्रेजेंट हुंदा हैगा विच इज़ अ जेनेटिक मटीरियल, जिहड़ा एक सैल तो दूसरे सैल विच ट्रांसफर हुंदा हैगा। इहदा काम की हैगा, इहनू सैल दा हैड कहा जांदा हैगा, ठीक है। ये मैटाबोलिक एक्टिविटी नू कंट्रोल करदा, जो भी सैल विच मैटाबोलिक एक्टिविटी हुंदी है उहनू ये कंट्रोल करदा। इहदे विच छोटे छोटे न्यूक्लियोसिस पए हुंदे आ जिन्हां नू छोटी छोटियां बॉडीज़ कहा जांदा हैगा। दिस वन इज़ अ न्यूक्लियस, दिस वन इज़ अ न्यूक्लियस एंड दिस वन इज़ अ छोटी छोटी बॉडीज़ कह दें जिन्होंने इन्होंने न्यूक्लियोसिस कहा जाता हैगा। ये प्रोटीन के कंपोनेंट नू मैगनीफिकेट करता हैगा, प्रोटीन बनने लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए है उन्होंने मैगनीफैक्चर करने मदद करता हैगा। ये जो कम हैगा न्यूक्लियोसिस का हैगा। नाउ नैक्सट वन इज़ अ प्लाज्मा मैमब्रेन। आ वाली जिहड़ी सारी हैगी आ सैल दे राउंड कवर कर रही है उन्हों प्लाज्मा मैमब्रेन कहा जाता हैगा। इनू सैल मैमब्रेन, प्लाज्मा लामा और बायोलॉजिकल मैमब्रेन भी कहा जाता हैगा। एक थिन मैमब्रेन होंगी है। नाउ डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा मैमब्रेन, दिस वन इज़ अ थिन डेलिकेट एंड इलास्टिक सेलेक्टिवली परमीएबल मैमब्रेन और सैमी परमीएबल मैमब्रेन। इनू सैमी परमीएबल मैमब्रेन क्यों कहा जाता हैगा? क्योंकि जिहड़ी यह प्लाज्मा मैमब्रेन हैगी है कुछ जिहड़े नीड़ी सबस्टांस हुंदे आ उन्होंने ये अंदर लैके जाण दी परमिशन दिंदी हैगी आ, ते कुछ नूं यह नहीं परमिशन दिंदी हैगी। सिलैक्ट करके जिहड़े नीड़ी सबस्टांस हुंदे आ उन्होंने ही सैल दे अंदर लैके जाती है, दूसरे नूं यह परमिट परमीएबल नहीं करती। एंड लिविंग कितने रहती हैगी है बाउंड्री प्रोवाइडिंग एंड सैल में यह बाउंड्री प्रोवाइड करती एंड सैपरेशन बिटवीन इंट्रा सैलूलर इनवायरमेंट एंड एक्सट्रा सैलूलर इनवायरमेंट और फ्लूड। इंट्रा सैलूलर इनवायरमेंट ज इनवायरमेंट भी कह सकते हैं, फ्लूड भी कह सकते हैं, जिहड़ा सैल के अंदर हुंदा हैगा। दिस वन सैल दे अंदर हैगा इंट्रा सैलूलर इनवायरमेंट और फ्लूड एंड दिस वन इज़ अ सैल दे जिहड़ा बाहर हैगा उन्हों एक्सट्रा सैलूलर इनवायरमेंट और फ्लूड कहा जाता, उहदे तों इह सैपरेशन प्रोवाइड करती हैगी है सैल नूं। नाउ फंक्शन ऑफ सैल मैमब्रेन और प्लाज्मा मैमब्रेन, फिजिकल बैरियर प्रोटैक्शन। जिहड़ी सैल मैमब्रेन हैगी है प्रोटैक्शन प्रोवाइड करती हैगी है सैल नूं। ये ऑलसो इनवायरमेंट इनसाइड का वधिया इनवायरमेंट प्रोवाइड करती हैगी, जिहड़े अंदर ऑर्गेनल्स हुंदे हैगे उन्हां नूं प्रोटेक्ट करके रखती हैगी आ, उन्हां नूं सपोर्ट प्रोवाइड करती हैगी आ। यह कैमिकल मैसेंजर का काम करती हैगी है ना, कोई भी मैसेज हुंदा हैगा उन्हूं रिसीव करती हैगी, उन्हूं सैल के अंदर लैके जाती हैगी। ट्रांसपोर्टेशन का काम ही किवें करती है, जिहड़े नीड़ी सबस्टांस हुंदे आ उन्हूं भी अंदर लै जांदी है, जिहड़े वेस्ट सबस्टांस हुंदे आ उन्हां नूं इह सैल तों बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिंदी हैगी आ। सो दिस वन इज़ अ प्लाज्मा मैमब्रेन। दिस नैक्सट इज़ अ न्यूक्लियस, एवरी सैल हैज़ अ न्यूक्लियस। दिस वन इज़ अ
न्यूक्लीअस हर एक सैल विचों न्यूक्लीअस प्रेजेंट हुंदा हैगा। मैं पहले दस्या सीगा है ना भी इहदे विच डीएनए प्रेजेंट हुंदा हैगा, इहदे विच छोटे छोटे जिहड़े आ वाले हुंदे हैगे, ठीक है, ये न्यूक्लियोसिस हुंदी हैगी आ, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे सैल होंगे उन्होंने न्यूक्लीअस प्रेजेंट हुंदा हैगा, पर जिहड़े आरबीसी रैड ब्लड सैल्स हुंदे हैगे उन्होंने विच न्यूक्लीअस प्रेजेंट नहीं हुंदा। नैक्सट वन इज़ आ साइटोप्लाजम। साइटोप्लाजम इज़ आ फल्यूड विच इज़ आ प्रेजेंट इन अ सैल, इन ऑल सैल्स। दिस वन इज़ अ येलो येलो कलर इज पार्ट, दिस ऑल इज़ अ साइटोप्लाजम फल्यूड। दिस फ्लूड इज़ अ साइटोप्लाजम। सैल दे न्यूक्लीअस नूं छड के सैल मैंबरेनस तो लैके न्यूक्लीअस दे विच साइटोप्लाजम नहीं हुंदा। न्यूक्लीअस दे विच एक आपदा फ्लूड प्रेजेंट हुंदा हैगा जिहनूं न्यूक्लियोप्लाजमा फ्लूड कहिंदे हैगे आ, ठीक है। सैल मैंबरेन तो लैके न्यूक्लीअस दे तक एक फ्लूड प्रेजेंट हुंदा हैगा जिसनूं साइटोप्लाजम कहिंदे हैगे आ। एक थिक फ्लूड हुंदा हैगा, इहदे विच साइटोप्लाजम दे ऑर्गेनल्स पए हुंदे आ सारे, ठीक है। इहदे विच ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हुंदे हैगे आ, समॉल ऑर्गेनल्स, जिवें कि साडी बॉडी च ऑर्गन हुंदे आ जो स्पैसिफिक फंक्शन परफॉर्म करदे आ। इस तरह सैल च भी समॉल ऑर्गन्स जां ऑर्गेनल्स हुंदे हैगे आ जो सैल दा स्पैसिफिक फंक्शन परफॉर्म करदे आ, वो साइटोप्लाजम दे विच प्रेजेंट हुंदे हैगे आ। नैक्सट वन इज़ आ माइटोकोंड्रिया। दिस वन इज़ आ माइटोकोंड्रिया। इसनूं सैल दा पावर हाउस भी कहा जाता हैगा, जिहड़ा कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जदों सैल नूं एनर्जी चाहिदी हुंदी है उदों एनर्जी प्रोड्यूस करता हैगा। सैल विचों बहुत सारिया मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुंदियां हैगियां जिन्हां नूं करन लई एनर्जी चाहिदी हुंदी हैगी आ, तां इह उदों एटीपी दी फॉर्म विच एनर्जी प्रोड्यूस करता हैगा। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਦੇਰ ਆ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰਗਨ ਔਰਗੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਟੋਕੋਂਡਰੀਆ ਦੀ ਮਾਈਟੋਕੋਂਡਰੀਆ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰ ਈ ਆਰ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਐਂਡ ਐੱਸ ਈ ਆਰ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਗੋਲਡੀ ਐਪਰੇਟਸ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਗੋਲਜੀ ਐਪਰੇਟਸ। ਗੋਲਜੀ ਐਪਰੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਗੋਲਜੀ ਆਪਰੇਟਸ,
ਇਸ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ। ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ ਆਲਸੋ ਔਰਗੈਨਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਲਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ ਲਾਈਸੋਸੋਮ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ। ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਬੈਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ। ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਫਲਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਓਲਸ ਦੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਲੋਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।